गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फ्रीडम, स्वतंत्रता। हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता का अपना एक अलग ही आनंद है और एक अलग ही महत्व है। और हमारे इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब अधिक से अधिक लोगों को शक्तिशाली जो समूह थे उन्होंने अपना गुलाम बनाया है। भारत भी 200 वर्षों से अधिक गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो आज़ाद हुआ और एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में जाना गया। इतिहास में ऐसे लोगों का बहुत वर्चस्व है जिन्होंने गुलाम बनाया और छोटे देशों को अपने आधिपत्य यानी कि अपने अंडर में ले लिया। लेकिन ऐसे वर्चस्व के खिलाफ शानदार संघर्षों के प्रेरणादायी उदाहरण भी हमें देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे कि हमारा चैप्टर है स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता से मीनिंग क्या है? स्वतंत्रता मतलब कि हमें अपने देश में कहीं भी आने और जाने की स्वतंत्रता हो। इसके अलावा हमें किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता हो, हम जो भी धर्म चाहे वो अपना सकते हैं। इसके अलावा भारत में या कहीं और कोई भी रोज़गार करने की स्वतंत्रता, यदि हम कहीं पे कोई रोज़गार करना चाहते हैं, कहीं पे ऐसे अपना कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं, तो हम उसको फ्रीडम से, आज़ादी से कर सकते हैं। इसके अलावा होता है बच्चों अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब कि अपने विचारों को दूसरे को समझाना, दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचाना, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द आइडियल ऑफ फ्रीडम। आइडियल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का क्या आदर्श है? आदर्श में से एक महत्वपूर्ण नाम जाना जाता है नेल्सन मंडेला का, जो क्या थे, आज़ादी के लिए वो कई बार जेल भी गए थे और उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, यानी कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था ब्रिटिश रूल में, ब्रिटिश टाइम पीरियड में, उसके अगेंस्ट उन्होंने व्यक्तिगत रूप से संघर्षरत गोरे और काले लोगों के लिए एक प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा झेले गए अपमान को इसमें उन्होंने वर्णन किया है। तो नेल्सन मंडेला, आप ये पिक्चर भी देखने होंगे, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक के फ्रंट कवर पर उनका ये